एवरीवन, आज मैं आपको कोरोना से रिलेटेड रक्षाबंधन की कहानी सुनाऊंगा, जिसका नाम जादुई राखी है। एक बार रीमा नाम की एक महिला रहती थी। उसके माता पिता मर चुके थे। उसके पास ही बच्चा था। उसके भाई का नाम अजय था। अजय बहुत मेहनती आदमी था। जब उसे वीजा मिल गया तो वो विदेश जाके वहां पर नौकरी करने लगा। थोड़े दिन बाद ही कोरोना नाम की एक महामारी फैलने लगी। रीमा बहुत दुखी हो गई अजय के लिए। उसने अजय को फोन किया और कहा, भैया अब ठीक है ना, वहां भी लॉकडाउन हो गया है। तब अजय कहता है कि रीमा तुम भी अपना ध्यान रखना। फिर लॉकडाउन के दौरान वो अपने भाई को फोन करके उसका हालचाल लेती रही। सरकार ने थोड़े दिन के लिए लॉकडाउन खोल दिया कि एक जगह से लोग अपने घर वापस जा सके। तब रीमा बहुत खुश हुई। उसने अजय को फोन किया और कहा, भैया आप भी आ जाइएगा। अजय कहता है ठीक है। जब अजय आ रहा होता है तो फ्लाइट में उसे बहुत सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और खांसी आने लगती है। तो वो डॉक्टर को फोन करता है। जब डॉक्टर उसका चेकअप लेते हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। उसे क्वारंटाइन में रखा जाता है। शाम तक रीमा को भी खबर कर दी जाती है कि उसका भाई अब कोरोना पॉजिटिव है। ये सुनकर रीमा के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत दुखी होती है कि उसके भाई को भी कोरोना हो गया। वो बहुत दुखी रहने लगी। रक्षाबंधन के दिन वो मंदिर पे जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसका भाई सही हो जाए। वहां खड़े खड़े एक बुढ़िया माँ सब देख रही थी। वो रीमा से कहती है कि तुम्हें भगवान पे इतना भरोसा है? तो रीमा कहती है, हाँ मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है और आज रक्षाबंधन भी है। तब एकदम से बहुत सारी रोशनी आती है। रीमा की आंखें बंद हो जाती हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने देवी माँ आ जाती हैं। वो देवी माँ को प्रणाम करती है। तो देवी माँ उसे एक राखी देती हैं और कहती हैं कि इसे अपने भाई की कलाई पे बांध देना और सुबह तक रुकना। रीमा यह सुन के बहुत खुश हो जाती है और देवी माँ का धन्यवाद करती है। वो जिस अस्पताल में उसका भाई भर्ती था, उस अस्पताल में जाके डॉक्टरों से विनती करती है कि वो अपने भाई के रूम में जा सके। जब वो पहुंच जाती है तो वो अपने भाई के कलाई पे एक राखी बांध देती है। वही तब वो हॉस्पिटल में एक बेंच पे जाके सो जाती है। जब सुबह होती है तो उसे डॉक्टर उसे अस्पताल में बताते हैं कि उसका भाई ये कोरोना नेगेटिव हो गया है। ये सुनकर रीमा बहुत खुश होती है कि उसका भाई ये कोरोना नेगेटिव हो गया है। डॉक्टर रीमा के भाई को जाने की अनुमति दे देते हैं। तो रीमा और उसका भाई अजय दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। हर साल हम रक्षाबंधन को मिलके बनाते हैं, पर इस साल कोरोना की वजह से हमें वीडियो कॉल करना है और राखी कोरियर भेजनी है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैप्पी रक्षाबंधन।